जो जीवदिया जी मुक्त नहीं होया, मर के कोई मुक्त नहीं होया। मर के लोग मरते ने फिर अगले जन्म दे च पैंदे ने, मुक्त नहीं होंदे। जो जीवदिया जी मुक्त है ओ ही मुक्त है। बैणी कहे सुनोरे संतो, मरण मुकत किन पाई। मर के किसनों मुक्ति मिलती है? किसी नू भी नहीं। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे। जो अपना ध्यान हरि नाम दे जोड़ लेंदा है, जीवदिया जी बंधन तोड़ देंदा है, मुक्त हो जाता है। बंधन तोरे होवे मुक्त, वो मुक्त हो जाता है। धुन धुनी नाल टकराई, धुनी पूरी खुल गई, नाफ पूरी खुल गई। नाफ खुल दिए दो हालतां च, एक जद आखिरी प्राण निकलता है, ये पूरी खुल जाती है, फिर बंद नहीं आती। शरीर दी मौत हो जाती है। दूजी ये खुलती है जब धुन धुनी नाल टकराती है, उदों खुलती है। तन दी मौत ते नहीं आती, मन दी मौत हो जाती है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मोए कैसे हर पाए। तन ते अजे मिट्टी दे च मिट्टी नहीं होया, मन जोत दे च जोत हो गया, जीवन मुक्त। तन ते अजे खाक दे च खाक नहीं होया, मन नूर दे च नूर हो गया। तन ते अजे शमशान घाट नहीं पहुंचया, मन भगवान दे घाट पहुंच गया। तन ते अजे कबर तक नहीं पहुंचया, मन खुदा तक पहुंच गया। ऐसे पुरुष नु कहते ने जीवन मुक्त। ऐसे मनुख तन तो निरले पाउंदा है। बंद बंद कटे जा रहे ने, मने सिंह दे मुस्कुरा रहे ने, हस रहे ने, निर्लेप। तन तो निर्लेप, कोई कहरा संबंध नहीं। उते जितने हुण श्वास ने भोगने पैने ने, पर निर्लेप। ए 2 साल पहले एक ब्रह्मज्ञानी आत्मा समा गए, बड़ी गूढ़ी मेरी उन्होंने नाल मित्रता सी। बाबा दर्शन सिंह गन्नूपुर काले, अमृतसर तो 6-7 मील की दूरी ते, एक छोटा जिहा पिंड, बिल्कुल गुमनाम जिहा रहिंदे सन। तबीयत उन्हां दी खराब हुई ते मैं उचेचा बीमार पुरसी ले उत्थे पहुंचया। उन्हां दी हालत देख के फिर सुभावक मैं कह दिता, मैं कहा बाबा जी थानूं बड़ी तकलीफ आउंदी होवेगी। एक सज्जन उन्हां दा मत्था दबा रहा सी, एक पैर ते कुछ पीड़ा भी सी। डॉक्टर बैठे हुए सन। मैं सुभावक कहा, मैं कि बहुत तकलीफ होवेगी बाबा जी। हस के कहन लगे, मस्कीन केड़े चक्करां च पिया, भोजन असी छक लिया, ये झूठी थाली कोई चुकदा है तो चुक लवे, इहदे नाल कोई मतलब नहीं। असी अपने घर पहुँच गए, इस घोड़े की लोड़ नहीं, नहीं इस शरीर की लोड़ नहीं। मेरे नाल बड़िया खुलियां गल्लां कर लेंदे सन। अमृतसर दे च गल मशहूर है, क्योंकि आउंदे कदी कदी सन। जिन्हां दिनां च दास कथा करदा है, गुरु रामदास जी दे गुरपुरब तो लैके दिवाली तक कोई 45 साल हो गए ने, मैनूं मैं इन्हां दिनां च हाजरी उत्थे भरदा हुंदा। अद की ये 35 दिन होवेगी, क्यों? नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक गुरपुरब ते दिवाली दे 35 दिन की वित पै गई है। पहले 15-16 दिनों की होंदी सी, 10-15-16 दिन हाजरी भरदा हुंदा सी। कीते हुए प्रण के मुताबिक अद की मैं 35 दिन होवांगा। बाबा जी रोज़ कथा सुन आउंदे सन। सन 83 की गल है, कथा करके मैं हटिया। नाल दे साथियों ने आसा दीवार का कीर्तन किया सी। बाद विच नौजवान बच्चे जो उस वक्त तहरीक चल रही सी उत्थे ही लड़ पए, एक दूजे दियां पग्गां लाण लग पए, गाली गलोच भी। मैं कथा दी भावें समाप्ति कर दित्ती सी, हो गई सी, उस तो बाद आपस लड़न लग पए ते मूँह मेरे निकल गया। मैं कि हद हो गई, 2.5 घंटे आसा दीवार का कीर्तन होया, 1.5 घंटा कथा हुई है, अंजाम ए एक दूजे दे नाल गुत्थम गुत्था। ते बाबा दर्शन सिंह कहन लगे, ते कुछ नहीं, जो मैनू दिखाई देंदा पिया इत्थे खून दियां नदियां चलन गया।
मैं क्या बाबा जी ये की आखते कहते दिखाई दे रहा मैं की करा। वो 84 च मैं देखिया जो कुछ होया, सरोवर तक का पानी भी खून नाल लाल हो गया, लाल रंग का हो गया। ये मैं एक निक्की जिहा गल थानू दसना, ऐसे मनुख की दिव दृष्टि बहुत दूर तक देख लेंदी है, बहुत पिछे देख लेंदी है। मैनू कहन लगे तेरे नाल मेरा पिछले जन्म का संबंध है। बड़िया गल्लां करदे सन, प्यार बड़ा सी, असीस बड़ी देंदे सन। मैं सुभाव को पुछण गया, मैं कहा बाबा जी तकलीफ होवेगी? कहन लगे भोजन असी छक लिया, झूठी थाली कोई चुकदा है तो चुक लवे, इहदे नाल कोई मतलब नहीं। ऐसे पुरश नूं कहिंदे जीवन मुक्त, रहिंदे इस तन दे च ने, तन तो निरले। भाई मनी सिंह ऐसे ही सन, भाई मती दास ऐसे ही सन, भाई तारू जी ऐसे ही सन। इस्लामी दुनिया च भी एक होया है बड़ा गजब दा, इसे तरह दा पुरश मंसूर। जुनैद दा चेला चेला से, बस 5-7 मिनट में लेना थोड़े, जुनैद दा चेला से। जुनैद ने इसनों ध्यान साधना दसी सी, जप करिया कर, अल्लाहु दा जप करदा सी। एक दिन उदे जबान चो उच्ची हूक निकली, अनल हक अनल हक अनल हक। किधरे धुन धोनी नाल टकरा गई, नाप खुल गई। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक निकलिया मंसूर दे कंठ तो, अनल हक, मैं हक हो गया, मैं सच हो गया। जुनैद कहिंदा है ऐ मेरे बच्चे, इस डेरे तो बाहर तू ये नहीं कहना, नहीं तो मैं तेनू बचा नहीं सकांगा, ये कुफर है, नहीं बोलना। तो मंसूर कहन लगा अच्छा मेरे मुर्शद, मैं नहीं कहांगा, नहीं कहांगा। पता जुनैद ने की आख्या? नहीं इंज नहीं, कोई पता नहीं, तू मस्त फकीर है, तो खुदा दी कसम चुक के नहीं कहेगा। हुण जद मुर्शद आगे दे विचारा की करे, उन्हें आख दिता कसमें खुदा अनल हक नहीं कहांगा, नहीं कहांगा। शाम दे समय कहरा दे सारे फकीरा ने बादशाह दे घर जाना सी, उन्हें सारिया का लंगर आख्या सी, जिन्हों ब्रह्म भोज कह देंदे ने, असी लंगर कह देंदे आ। उन्हें सारे फकीरां नूं दावत दित्ती सी, जिहड़े चोटी दे नामवर फकीर सन मिस्र दे च, खास करके कारा दे च। तो जुनैद नूं भी ये सद्दा पत्र आया सी, ते सद्दे पत्र दे च ए सी, हर एक फकीर अपने नाल एक दो शिश लिया सकदा। शाम नूं तैयार होके जद जुनैद चलन लगे, तो एकदम ख्याल आया, मंसूर बैठे चल तू मेरे नाल, अजे तू रोटी नहीं खादी, चल मेरे नाल, बादशाह दे घर दावत है, उन्हें सारे फकीरां नूं बुलाया, चलिए। हुण मुर्शद दा हुक्म बिचारा नाल चल पिया, पहुँच गए बादशाह दे महल, जिवें इस्लामी ढंग हुंदा है, दस्तरखान बिछाया होया सी, गोल दायरे च फकीर बैठे ने कोई 50-60 दे करीब। अगों बांडे रखे जा रहे ने, विचकार बादशाह भी बैठा। इतने सारे अनुभवी फकीर होवन कि गल्लां ते खुदा दियां चलन गियां, रब दियां गल्लां चल पईआं। जद जुनैद दी वारी आई तो जुनैद सिर्फ उपरों उपरों गल नहीं करदा सी, गहराई तो जितनी गहराई तो धुन निकलदी सी, उतनी गहरी उसकी श्रद्धा सी, उतना गहरा उसका विश्वास सी, उतनी गहरी उसकी अकीदत सी। दो चार लफ्ज़ ही अजे खुदा बारे बोले है ते मंसूर दे कंठ तो निकल गया अनल हक अनल हक। बादशाह नूं क्रोध आ गया, गुस्सा चढ़ गया, हैं एक काफर नाल रखे है तो, एक काफर नूं इत्थे ले आया मेरे कोल,
मेरा सारा स्वभाव खराब कर देता। स्वभाव भाव मैं पुन का काम किया तो सारा पाप दे बदल दिता। मैं तो सारे फकीर दावत दिती सी, सारियां बस्त्र देने सन, धन देना सी मैं, पर इस काफर नू लिया के तू मेरा स्वभाव गुनाह दे बदल दिता, मेरे पुन नू पाप दे बदल दिता। इस काफर नू तू हुण नाल नहीं रखना, इनू असी सज़ा देंगे। 16 दिन उसते मुकदमा चलिया, काजियां ने फितवा लाया इनू सूली ते चाड़ के मारिया जाए, और सूली चाड़न तो पहले इसनू पत्थर भी मारो। कसूर की अनल हक, अनल हक उहदे कंठ तो निकले, इन्ना ही कसूर। सूली ते चाड़ना, चरखियां ते चाड़ना, जिंदा जलाना, तत्ती तवी ते बिठाना, उबलदी देग दे च बिठाना, इस तरह दियां भयंकर सजावां उत्थों इत्थे आईयां। ये भी मैज कर दें, विचारे नू पकड़ लिया गया, 16 दिन मुकदमा चलिया, कईयां दी गवाहियां लईयां गईयां ने, किथे किथे आखिया, सारे ने दे ते कहिंदा ही रहिंदा अनल हक, जद इस दी मौज आउंदी कह देंदा अनल हक। अज 16वां दिन सी, भरे मैदान दे च इहनू सूली ते चाड़न वास्ते लै जा रहे, तमाशबीन आए ने, दुनिया आई है। क्योंकि काफर समझदे ने तो अंदर गिरना है, लोगों के गिरना। जुनैद भी आया, जिहड़ा उसका मुरशद सी, जिसने सब दसिया सी, पालिया सी, पोसिया सी, वड्डा कीता सी, सिर्फ शरीरक तौर पर नहीं धार्मिक तौर पर भी वड्डा कीता सी। जप करद्या करद्या वो अखीरली अवस्था ते पहुंचिया सी, जुनैद कोल पहुंचिया। मंसूर नू संबोधन करद्या उसने बड़े कीमती बोल कहे ने, ऐ मेरे बच्चे, पागलों की भीड़ दे इतना सियाणा हो जाना भी पागलपन है। मैनु ऐसा महसूस होंदा, भीड़ पागलों की, सियाणा तू एक। पता है महात्मा बुद्ध ने की आख्या सी अपने चचेरे भरा आनंद नू? आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं आउंदी, कदी भीड़। सूत्र है ये, छोटा जिहा दम पर्दा सूत्र है। आनंद चचेरा बिरा सी, उम्र दे च वड्डा सी, चेला बन गया सी। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं, कदी भीड़ नहीं। जुनैद कहिंदा है इतनी वड्डी भीड़ दे च, पागलों की भीड़ दे च इतना सियाणा हो जाना भी मैनू इंज लगता है जिवें पागलपन है, पागलपन। गुनाहगारां की भीड़ दे च इतना स्वभावशील हो जाना भी मैनू इंज लगता है जिवें एक गुनाह होवे, एक गुनाह होवे। ये जुनैद कहिंदा है, भीड़ पागलों की है, सियाणा तो एक है। भीड़ गुनाहगारां की है, पुनीत तो एक है। मैं नहीं बचा सकता, मैं नहीं छुड़ा सकता, मैनू दुख है, बहुत दुख है, लेकिन मैं इत्थे आया दुख प्रगट करन लई नहीं, एक गिला करन लई। मंसूर कहिंदा मेरे मुरशद की गिला है, मेरे कोल केरी गलती होई है, थानू की गिला है। जुनैद कहिंदा गिला ए है तू खुदा दी कसम चुकी सी, कसम ए खुदा अनल हक नहीं कवांगा, पर तू आखे मेरे सामने आखे भरी महफिल दे च आखे तू खुदा दी कसम तोड़ी है, ये क्यों कहता है, ये क्यों कहता है? बस मैं ये गिला करना है। तू पुनीत है, तू महान है, तू बहुत बड़ा सियाणा है,
दानशमंद है, पर एक गलती ये पहाड़ जैसी तेरे को हुई है। तो खुदा दे कसम चुकी है ते फिर अनल हक आखे। हुण पता है मंसूर की कहिंदा, मेरे मुर्शद मैं अनल हक नहीं आख्या, नहीं आख्या। मंसूर ते पता नहीं कदों दा मिट गया, ते जे खुदा ही अनल हक आखण लग पवे तो बेचारा मंसूर की करेगा। मैं नहीं आख्या, मैं नहीं आख्या। कहिंदन जुनैद ने अपना सिर मंसूर दे कदमां ते रख दिता, तू नहीं आख्या। वाकई खुदा तेरे अंदरों बोले, तू नहीं आख्या। जलाद ने भाई मनी सिंह दे पैर कट दिते ने, हथ कट दिते ने, गर्दन दी वारी। ते भाई साहब जपजी साहब दा पाठ किसे धुन दे कर रहे सन, मस्ती दे। सिर्फ तीन पौड़ियां रहिंदियां सन ते सलोक रहिंदा सी। भाई साहब बोल पे, थोड़ी देर रुक जा, ऐ मेरा पाठ पूरा होण लें, मुकम्मल होण लें, क्योंकि जीवन एक साज है, ते साज ना रहा तो मैं वो पाठ नहीं कर सकांगा। तू गर्दन कटनी है कट, पर थोड़ा जहा रुक जा। जलाद कहिंदा है, मैनू इजाजत नहीं इस तरह की, मैं नहीं रुक सकता। वार कीता, गर्दन धड़ तो अलग कर दिती। कवि संतोख सिंह जी गुरप्रताप दे लिखते ने, रोम रोम दे उच्ची धुन, सूर जो है सूरज प्रकाश दे लिखते ने, जपजी साहब की उच्ची उच्ची धुन रोम रोम दे निकल रही सी। जब पाठ का भोग पै, आखिरी प्राण तां गया। रोम रोम जे रसना पाओ, इस तरह का मैं सुनया और इतिहास दे भी है। इसका तजर्बा अमेरिका ने किया है। ऐसा जानवर उन्होंने समुद्र तो पकड़े है जो बंदर की तरह मनुख की नकल करता है। उन्हों ट्रेनिंग देंदे पैने समुद्र दे, गश्त लाएगा, बहुत कुछ दसिया करेगा। मैं तो पेपर च पढ़ के दंग रह गया। एक जानवर है सूअर की शक्ल का थोड़ा जहा, लेकिन मनुख की नकल करता है। जैसा मनुख करे वैसा वह करन लग पैंदा। रब दी ने उन्हों पकड़े, उन्हों तरह तरह की ट्रेनिंग दिती गई। उसकी बोलण की आदत बड़ी है, यानी आवाज़ कढ़ण दी। खड़ा खड़ा एक मिनट बाद आवाज़ कढ़ेगा, उच्ची आवाज़ कढ़ेगा। उन्होंने तजर्बा किया, इहदा मूँह बंद करदे आ, देखदे आ दे अंदर बोलण दा, एक कूक करण दा, आवाज़ करण दा कितना जज्बा है, ये तड़पदा है कि नहीं। मूँह कस के बंद दिता गया। उदे सामने जिहड़ी उहदी आवाज़ सी जो रिकॉर्ड की गई सी, वह रिकॉर्ड चलाई गई, टेप चलाई गई। हुण उह तड़पदा, कोशिश करदा मूँह चो आवाज़ कढ़ना, पर मूँह बन्निया होया है। उहदे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर दे सारे रोंगटियां दे चों उह आवाज़ आण लग पई। एक साइंटिस्ट दा लेख पढ़ के मैं ते दंग रह गया। फिर गल स्पष्ट हो गई, रोम रोम जे रसना पाओ, गुरमुख रोम रोम हर दयावे। जज्बे नाल इतना भर जाता है, एक जबान छोटी पै जाती है, पिछों जज्बे का हड़ आ जाता है। एक जबान नाल धुन कढ़नी औखी हो जाती है, रोम रोम रसना बन जाती है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी दे रोम रोम दे चों पाठ की आवाज़ जारी सी। पाठ का भोग पै, भाई साहब के शरीर का अंत होया। कहण तो मुराद ऐसे पुरुष शरीर तो निर्लेप हो जाते। ऐसे मनुख शरीर दे होंदे होया शरीर नू रख के भी किधरे भ्रमण कर सकते ने। गुरु हर राय साहब जो थोड़ा बहुत नाराज होए बाबा राम राय ते, एक ते 72 करामातां उसने औरंगजेब नू दिखाईया। दूसरा अक्सर 5वें-10वें दिन अपने सूक्ष्म शरीर को अस्थूल शरीर के चों कढ़ देंदे सन, चले जाते सन। इनू रविदास इंज कहिंदे ने, ज्यों ज्यों सहर करे त्यों भावे, महरम मैल ना को अटकावे, हर ग्रह नक्षत्र दे मेरे महरम ने,
महरम कहते ने अपने तरस पिया मैं रहमत होई, जेडे सारे पढ़ते ने रहमत शब्द नहीं है, तरस पिया मैं रहमत होई, तरस खादा है परमात्मा ने, परमात्मा साडा अपना हो गया, मैं रहमत महरम, तरस पिया मैं रहमत होई, सतगुर सज्जन मिले, महरम मैल ना को अटकावे, रविदास कहते सब मेरे महरम ने, मैनू किसी भी ग्रह नक्षत्र दे जान विच अटक नहीं है। ये खुलासा भी किसी वक्त मैं थोड़े सामने करांगा। सूक्ष्म शरीर किधरे दा किधरे जा सकता है। शंकराचार्या आदि शंकराचार्य बनारस दा राजा गुजरिया सी, अपने शरीर दे चों सूक्ष्म शरीर कढ के उहदे च प्रवेश किया, एक तजर्बे दे तौर ते लंबी चौड़ी बहस हो रही सी मंडन मिश्र नाल, उस करके एक लंबा चौड़ा इतिहास है। अक्सर शंकराचार्य भी इस तरह कर लेंदा सी, बाबा राम राय ते हर पंजवें दसवें दिन कर लेंदे सी निर्लेप। एक दिन पत्नी नूं कहण लगे मैं 7 दिनों बाद आवांगा, शाम तक नहीं, जिवें मैं घंटे 2 घंटे च आ जांदा इस तरह नहीं, तू 7 दिन तक मेरे शरीर की संभाल रखें। सूक्ष्म शरीर का संबंध तो टुट गया, वह नहीं है, अस्थूल पे है। मसंद जो हार खांदे सन राम राय तो, ते सोचदे सन इहदे होंदिआं गुरु बनना साडा बड़ा औखा है, इहनूं खत्म करिए। तो पता है की है, चिता सजा ली, अर्थी बना ली, ते लिटा दिता राम राय नूं, लै जाण लगे। पत्नी रोंदी पई है बई उन्होंने कहा 7वें दिन मैं आ जाना है, वो इस तरह करदे आउंदे ने, तुसी जिंदा मनुख नूं जला रहे हो, वो तड़पदी रह गई, वो लै गए शमशान घाट, अग ला दिती, अद्धा शरीर जल गया। उदों सूक्ष्म शरीर वापस आया, किधरे खबर पहुँच गई उन्हां, पर हुण शरीर रहण दे लायक नहीं रहा सी, अद्धे तो ज़्यादा जल गया सी। फिर भी शरीर दे प्रवेश करके उच्ची आवाज नाल बोले राम राय, ऐ मसंदो तुसी मैनू जिंदा जलाया, कलगी दर थानू जिंदा जलाएगा। ये इतिहास है, ये गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें ही मसंदा नू डेरा दौन दे जिंदा जलाया। दुष्ट हो गए सन, बड़े जालम हो गए सन। राम राय अक्सर इस तरह जो है करदा हुंदा सी, निर्लेप हो जाता सी। इस तरह के पुरश शरीर के कष्ट तो भी निर्लेप हो जाते हैं, क्योंकि शरीर नाल संबंध नहीं रह जाता। मनसूर नूं सूली ते चाड़िया जा रहा है, मुस्कुरांदा ही रहा, बंद बंद कटे जा रहे ने मनी संग दे, पाठ करते रहे पाठ करते रहे। उबलदी देग दे च बैठे ने, तत्ती तवी ते बैठे ने। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे ने, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने हो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले मानिया। जितने चिर तक इस शरीर दे नाल लिपाए मान है मनुख, ये शरीर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्दा आवे जाए ते दुख सुख दे जन्म बतीत करता रहेगा। जमेगा मरेगा तरह तरह, दुख भोगेगा सुख भी भोगेगा, कदी दिन ते कदी रात। जन्म मरण तो उस दिन रहत होवेगा, कदों ज्योति ज्योत रली, जिस दिन सूक्ष्म शरीर जो ज्योत है परमात्मा दे चलीन हो जाएगा, उस तो पहले ने ये चलता रहेगा। भारत दे सब तो वड्डा दुख जन्म नूं मनदे ने ते मरण नूं मनदे ने, बाकी सारे दुख जन्म मरण दे विचकार ने। सब तो वड्डा दुख जन्म, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे, बहुत वड्डी सजा मिल गई कि जमदाय मरदाय जमदाय मरदाय। प्रभ जन्म मरण निवार, हार परेओ द्वार, ये उदों हुंदा है जद धुन नाभि तक पहुँचती है, नाफ पूरी खुल जाती है, शरीर जिंदा रहिंदा है, वासनावां दी मौत हो जाती है, कामनावां दी मौत हो जाती है, चिंतावां दी मौत हो जाती है, पापां दी मौत हो जाती है, दुखां दी मौत हो जाती है। ये मन ज्योत स्वरूप ज्योत दे चलीन हो जाता है, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया आराम, यात्रा संपूर्ण हो जाती है। संसार ते आया
सफल हो जाता है, शरीर के तलते ते जिंदा है पर मुक्त हो गया। प्रभ की आ गया आत्म हितावे जीवन मुक्त सौ कहावे। सानू प्रभु ने नाख दिती है, पवन दिती है, इस पवन दे नाल वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलाप सकते हैं ते ध्यान करके इस धुन नू वापस ले जा सकते हैं और गहराई नाल सुन सकते हैं। जिस दिन ये अपने केंद्र ते धुन चली गई, जन्म मरण मिट जाएंगे, मनुख निर्लेप हो जाएगा, सूक्ष्म दा संबंध अस्थूल नाल टुट जाएगा। इतनियां सेवावां इस वक्त प्रवान करनियां। सारियां दा धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहेगुरु जी का